हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल गजेंद्र। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ऑफ पेज बेसिकली होता है क्या है गाइस, और ऑफ पेज कैसे करते हैं, और ऑफ पेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एसईओ में, और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑफ पेज में अपन को ध्यान रखनी चाहिए गाइस। सो गाइस, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। और ऑफ पेज में कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे होती है, और कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के लिए क्या क्या टूल यूज करने पड़ते हैं गाइस, और इसमें बैकलिंक की स्ट्रेटेजी क्या होती है, और अपने कंप्यूटर के बैकलिंक को कैसे फाइंड आउट करना है। सो गाइस, मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा गाइस, तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ पेज कैसे होता है। और वीडियो के लास्ट में ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ कि आपको हाई डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक मिलेगी उसे। सो गाइस, शुरू करते हैं। ऑफ पेज एसईओ होता है क्या है, और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या एक्टिविटी आती है गाइस। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने पूरा ट्रेलो बोर्ड बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने टू डू, डूइंग एंड डन तीन सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। लाइक मैंने डन में एसईओ बेसिक्स ये सारी एक्टिविटी ये सब कंप्लीट हो गई, इसलिए मैंने डन सेक्शन में डाल दिया। कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने डन सेक्शन में डाल दिया। अगर आपको ये सब वीडियो देखने हो, कीवर्ड रिसर्च, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, आप वहाँ से देख सकते हो। देन अभी डूइंग ऑफ पेज एसईओ, लाइक मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, सो मैंने इसको डूइंग सेक्शन में डाला है। अगर आपको ये ट्रेलो बोर्ड चाहिए गाइस, इसमें सब कुछ टास्क मेंशन किए हुए हैं, तो आप मुझे सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे ये वीडियो चाहिए। लाइक आप नॉर्मली मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, तो मैं वो ये ट्रेलो बोर्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा गाइस। और गाइस, मैं आज ऑफ पेज में पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, और कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज बताने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने ऑफ पेज के यूट्यूब पे, बट लोगों ने ज़्यादातर नॉर्मली ऐसी बता रखा है ऑफ पेज एसईओ होता है क्या और क्या क्या एक्टिविटी आती है, बट उन्होंने किसी ने भी ऐसी प्रैक्टिकल नहीं बता रखा है आपको ये एक्टिविटी ऑफ पेज में आती है तो इस एक्टिविटी को कैसे करते हैं, वो नहीं बता रखा। मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। देन गाइज, इन शॉर्ट अगर मैं ऑफ पेज क्या होता है वो आपको बताऊँ, सिंपली ऑफ पेज का मतलब यही रहता है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट को कोई दूसरी कंपनी अगर रेफर करती है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ब्लॉग है, किसी को अच्छा लगा, किसी ने शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से जो लिंक जूस पास होता है, वहाँ से जो लिंक मिलती है ना, उसी को ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक इन शॉर्ट और बताऊँ मैं आपको, रेफर करता है मीन्स अगर मैं कोई काम डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, राइट, मेरी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, मेरी कंपनी को कोई दूसरी कंपनी रेफर कर रही है, यहाँ पे मैनुअल बोल के रेफर नहीं कर रही है, या फिर किसी को बता के रेफर नहीं कर रही है, यहाँ पर सिंपली लिंक ऐड कर रहे हैं। लाइक मेरी वेबसाइट की लिंक बहुत सारी वेबसाइट से वापस लिंक जूस पास हो रहा है, मतलब उससे क्या DAPA बढ़ता है वेबसाइट का, प्लस एक गूगल के नज़रों में अपनी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ती है। गूगल का जो एल्गोरिदम ऐसा समझता है कि इस वेबसाइट को बहुत सारी वेबसाइट रेफर कर रही है, दैट मीन्स इस वेबसाइट में कुछ अच्छा है, राइट, तो उससे उसी को ऑफ पेज एक्टिविटी बोलते हैं गाइस। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ क्या क्या एक्टिविटी आती है बस सबसे ऑफ पेज पेज एसईओ में क्या क्या करते हैं। लाइक अपन को सबसे पहले क्या करना रहता है, एनालाइज कॉम्पिटिटर लिंक प्रोफाइल। अपन को अपने जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी लिंक प्रोफाइल को एनालाइज करना है, तो कहाँ कहाँ से उनको बैकलिंक आ रहा है, कौन कौन से वेबसाइट से आ रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग, तो उससे अपन आइडिया ले सकते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर ने क्या क्या एक्टिविटी करके और लिंक बिल्डिंग की हुई गाइस, वहाँ से अपन आइडिया ले सकते हैं, वो एक्टिविटी अपन भी कर सकते हैं, राइट। और इनिशियल लेवल की जो एक्टिविटी होती है वन पेज में, लाइक सेटअप गूगल माई बिजनेस, अगर गूगल माई बिजनेस है तो उसको ऑप्टिमाइज करना है, लाइक बिजनेस लिस्टिंग करना रहता है, यू नो, प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल बुक मार्किंग, इमेज प्रमोशन, डॉक्यूमेंट प्रमोशन, वीडियो सबमिशन, ये सारी बहुत सारी एक्टिविटी आती है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो ये सारी ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी आती है गाइस, तो मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले अपन को एनालाइज योर कॉम्पिटिटर लिंक प्रोफाइल, या अपने कॉम्पिटिटर के बारे में एनालाइज करना, उनके लिंक प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर रखे, क्या क्या कर रखे हैं। तो सबसे पहले मेरा कॉम्पिटिटर है ये कंपनी thriveagency.com, ठीक है गाइस। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैं शेमरस यूज़ करता हूँ, तो शेमरस में जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाके साइड ऑडिट तो मैंने ऑलरेडी कर दी, मैंने आपको ऑन पेज एसईओ बताया, देन लिंक बिल्डिंग में जाऊँगा, यहाँ पे सेटअप, देन मेरे को क्या करना है,
मेरे को कीवर्ड डालने हैं, मेरे जो भी कीवर्ड हैं मैंने मेरे कीवर्ड यहाँ पर डाले हुए हैं, लाइक ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है गाइस। तो मेरे को कीवर्ड को यहाँ पर डालना है, यहाँ से मुझे ऐड करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक चले, देन कॉम्पिटिटर। अब मेरे को मेरा कॉम्पिटिटर की लिंक ऐड करनी है, लाइक मेरा कॉम्पिटिटर ये है थ्राइव, ठीक है गाइस। और मेरे एक दो कॉम्पिटिटर हैं और हैं, मैं उनका भी डाल देता हूँ। ये भी मेरा कॉम्पिटिटर है, आपको आपके कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करने। अब मैं एटलीस्ट दो तो डालने ही चाहिए मेरे, आई वुड रिकमेंड। देन गाइस स्टार्ट लिंक बिल्डिंग। अब ये सेम ब्रश अपन को अपने कॉम्पिटिटर के जितनी भी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी उन्होंने की हुई सब कुछ अपन को बता देगा, उन्होंने कहाँ कहाँ से लिंक उनको कहाँ कहाँ से लिंक आ रही है, क्या क्या किया हुआ है, राइट। आई थिंक थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ये प्रोग्रेस में है। ओके अब आप देख सकते हो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इज कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल डेटा इज बीन सक्सेसफुली कलेक्टेड, वी हैव फाउंड 1351 डोमेन प्रोस्पेक्ट्स। व्यू प्रोस्पेक्ट्स पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लाइक इसमें आपको सब तरह की एक्टिविटी मिलेगी, लाइक उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की होगी, लाइक इसमें गेस्ट पोस्ट भी हो सकता है, जनरल एक्टिविटी भी हो सकता है, न्यूज़ भी हो सकता है, ब्लॉग भी हो सकता है, यहाँ पे सब तरह की एक्टिविटी होगी। तो अपन को फिगर आउट करना है कौन सी एक्टिविटी अपने वेबसाइट के लिए अपन को करनी है। से फॉर एग्जाम्पल ये वाली वेबसाइट है, अगर आप मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ये मेन्यू लिंक है, डायरेक्टरी है या फिर आर्टिकल है, प्रोडक्ट रिव्यू है, लिंक फॉर मेंशन है, गेस्ट पोस्ट है, क्या है, उसमें सेग्रीगेट करना है। और जो भी एक्टिविटी मेरे हिसाब से मुझे करना है सबको अपने हिसाब से सेग्रीगेट करना है, वो सब इन प्रोग्रेस में आ जाएंगे, फिर मैं उस पर काम करूंगा। लाइक मैं सेलेक्ट करता हूं गाइस, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, वन बाय वन चेक करना है मेरे को ये जो लिंक यहां से इस वेबसाइट ने ली हुई है ये परफेक्ट है या फिर इस पर मैं भी कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके लाइक ये मेन्यू लिंक है तो इसमें आ जाएगा, देन ये गुड फॉर्म्स है, यहाँ से भी मेरे को बैकलिंक आ सकती है। तो एक तरह की रिव्यू प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसको इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। ऐसे आपको करना है जो रिलेवेंट है आपके अकॉर्डिंग, उसको आप इसमें इन प्रोग्रेस में ऐड कर सकते हो। इन प्रोग्रेस में ऐड करने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद गाइस आप डायरेक्टली आपको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेल भेज सकते हो डायरेक्टली यहीं सेमरस से। यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज भी लिखा हुआ है कि आपको क्या मैसेज भेजना है, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन। और मैसेज में बता सकते हो कि आपको ये सेम एक्टिविटी आपको भी करनी है, मीन्स आपको गेस्ट पोस्ट करना है जो भी हो। देन गाइस अगर आपको देखना है कि वेबसाइट किसके बारे में है, उन्होंने जो लिंक पास कर रखी है वो उनको यहाँ से इस पेज से लिंक आ रही है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे वो जो वेबसाइट है वो यहाँ पे लिस्टिंग है गुड फॉर्म्स पर। तो आप भी सेम ऐसा पेज बना सकते हो, अपना रिव्यू वेबसाइट बना सकते हो सेम जो एक्टिविटी उन्होंने की हो, यहाँ पे आप भी अपने क्लाइंट से रिव्यू ले सकते हो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट कि लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी को अपन कैसे चेक कर सकते हैं और अपन भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ये जो इनिशियल लेवल का वर्क रहता है आपको आइडिया लेने के लिए, हाँ मेरे कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं, उनके क्या क्या कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, क्या क्या मैंशन है, सब कुछ यहाँ सेम ब्रश में देख सकते हो गाइस। और आपको अगर सेम ब्रश के बारे में जानना है, सेम ब्रश को कैसे यूज़ करते हैं, इसका पूरा मैं आपको डेमो भी दे सकता हूँ, आप मुझे कमेंट यूट्यूब के कमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं इस सेम ब्रश के बारे में वीडियो बनाऊँ कि सेम ब्रश को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा इस पर वीडियो बना दूंगा। देन गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये एनालाइज कंप्यूटर लिंक प्रोफाइल हो गया, उसके बाद आपको अपना गूगल माई बिजनेस पे आपका गूगल माई बिजनेस पेज सेटअप करना है। सिंपली जाना है आपको, ये सब इनिशियल लेवल की एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, जो बेसिक लेवल की एक्टिविटी सबसे पहले वो पेज में होती है वो आपको करनी है किसी भी हालत में शुरुआत करने से पहले। या गूगल माई बिजनेस पे जाओगे, देन आपको नॉर्मली साइन, अगर ऑलरेडी है तो साइन इन पे क्लिक कर सकते हो, देन मैनेज नाउ,
ओके लाइक आपको एड योर बिजनेस टू गूगल और आपको बिजनेस का नाम ऐड करना है और ये नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी आपको फॉलो करनी है, सिंपल प्रोसेस है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद क्या रहेगा, सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको आपके वहाँ पे लाइक 10-15 डेज के अंदर अंदर आपको आपको पोस्टल कोड से कुछ कोड आ जाएगा, उस कोड को आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर लॉग इन करके आपको कोड डालना, वेरीफाई हो जाएगा, गूगल माई बिजनेस पेज आपका एक्टिव हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस है गाइस। और इसका भी आप मुझे अगर वीडियो चाहते हो बनाना तो मैं इसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि मैं आप इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ओपेज एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है गाइस। देन गाइस अब ये बेसिक एक्टिविटी होती है, मैं एक एक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे कर रखी है। लाइक सबसे पहले जो करते हैं अपन लाइक बिजनेस, नॉर्मल गूगल में बिजनेस हो गया, देन ये बिजनेस लिस्टिंग का एक पार्ट है गूगल में बिजनेस, देन इतनी सारी ये एक्टिविटी करनी है अपन को बिजनेस लिस्टिंग में, मतलब इसमें एक महीने में एटलीस्ट 10 बिजनेस लिस्टिंग करनी है अपन को, 10 प्रोफाइल क्रिएशन करनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा सब एक्टिविटी पे फोकस करना है अपन को। नेक्स्ट मंथ वापस आप 10 बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हो, 10 प्रोफाइल क्रिएशन कर सकते हो, 10 सोशल मूव मार्किंग कर सकते हो, ऐसे करके मतलब कुछ थोड़ा डॉक्यूमेंट प्रमोशन, इमेज प्रमोशन, ब्लॉग कमेंटिंग, कोरा आंसर, देन गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, एक दो गेस्ट पोस्ट पे फोकस कर सकते हो, वेब 2.0 कंटेंट पे डाल सकते हो, मीडियम पे कुछ ब्लॉग लिख सकते हो, तो मतलब थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी हर महीने करनी, नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको कंटिन्यूस काम करना है, देन आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा गाइस। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार ऑफ पेज करने से कुछ नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आपको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको ऑन पेज पे ज़्यादा फोकस करना है, ऑन पेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है जैसा कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, देन आपको ऑफ पेज पे एक्टिविटी करनी है। अगर आप ऑफ पेज पे एक्टिविटी नहीं करोगे लाइक ऑन पेज पे आप पे जो कर रखा है, जो आपको कॉम्पिटिटर ने भी कर रखा है, तो आपको आप उससे आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। तो आप कुछ एडवांस क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, ऑफ पेज भी कर रहे हो राइट। सो ऑफ पेज करने से, लिंक बिल्डिंग करने से आपकी वेबसाइट का डोमेन DNPA बढ़ेगा, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, तो आपकी वेबसाइट के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन गाइस मैं आपको बताता हूँ लाइक अभी बिजनेस लिस्टिंग की एक एक्टिविटी करके बताता हूँ कि आपको कैसे करना है लाइक सबसे पहले। और ये सब मेरे पास पूरा बिजनेस लिस्टिंग में कौन कौन सी वेबसाइट है वहाँ पे आपको बिजनेस लिस्टिंग करनी है, प्रोफाइल क्रिएशन में कौन कौन सी है, अगर ये भी आपको चाहिए शीट कंप्लीट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको शेयर करूँगा। लाइक सबसे पहले मैं आपको करके बताता हूँ, मेरी वेबसाइट डिजिटल जेलोड का, इस वेबसाइट पे बिजनेस लिस्टिंग, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे बता नहीं रहे कुछ ना, किसी दूसरी वेबसाइट पे करते हैं local.com, शायद इस पे पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है अभी। लाइक इस पे अपन को बिजनेस लिस्टिंग करनी है तो नॉर्मली आपको क्लेम योर बिजनेस लिस्टिंग, मतलब जितने भी बिजनेस लिस्टिंग साइड होगी उनको नॉर्मली यही प्रोसेस होता है सबका, तो यहाँ पर क्लेम करोगे, साइनअप करना आपको, नॉर्मली साइनअप करके आपका इन्फॉर्मेशन डालना, जैसे जैसे पूछे लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पर्सन कॉन्टैक्ट, मैं आपको बताता हूँ या मेरे कम लाइक डिजिटल ईमेल आईडी डालना, पासवर्ड डालना, देन मुझे साइनअप करना सिंपल, और जो मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा then submit and sign up, okay। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे जाके इनबॉक्स में आपको वेरीफाई करना है, तो मैं मेरे ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ दिस इज अलॉट की, यहाँ पर मुझे मेल आ गया गाइस, देख लीजिएगा आप, मुझे वेरीफाई करना है,
पे क्लिक करना है कंप्लीट और वेरीफाई हो जाएगा। योर रजिस्टर्ड ईमेल इज नाउ वेरीफाइड। ठीक है गाइस, वेरिफिकेशन हो गया। देन वापस वहीं जाता हूँ उसी पेज पे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। ठीक है गाइस, देन मुझे लॉगिन करना है वापस। लॉगिन का ऑप्शन जस्ट सेकंड। यहाँ पे देन मुझे माय लिस्टिंग में जाना है, माय लिस्टिंग में जाओगे उसके बाद एड न्यू लिस्टिंग। तो यहाँ पे मेरे को बिजनेस नेम डिजिटल ज़ेरॉक्स, देन बिजनेस एड्रेस, सिटी, पिन कोड सॉरी जिप कोड, देन ईमेल एड्रेस। तो ये आपका ईमेल एड्रेस रहता है zelox@gmail.com। देन गाइस फोन नंबर, देन स्टेब्लिश कब से हुआ है लाइक 2018, स्पेशलाइजेशन क्या है CPC, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स। राइट गाइस, देन फोन नंबर मैंने डाल दिया, वेबसाइट डालना है मुझे, वेबसाइट क्या है, कैटेगरी क्या है मेरी, मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे। ठीक है, देन मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है एडवर्टाइजिंग एंड मार्क, ये वाला ये मेरा रिलेवेंट है, मैं सेलेक्ट करूँगा। देन सब की डिग्री डालनी है मुझे, अगर डाल सकता हूँ डिस्क्रिप्शन डालना डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ मेरे बिजनेस के बारे में, लाइक मैं कॉपी कर लेता हूँ अबाउट अस में जाके। लाइक जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ तो इसके लिए हम करते हैं क्या, हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालना है और सर्विसेज की आपको जो रिलेवेंट लगे वो फिल कर सकते हो, बाकी चलेगा। पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना कर सकते हो, लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश, देन जो भी आपके रिलेवेंट हो आप सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो देखो यहीं से अपन को जो सर्च में आता है वहीं से सेलेक्ट करना है। सर्च में आ नहीं रहा है, कभी कभार कुछ इश्यू होता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं गाइस। सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक करके, अभी पता नहीं कुछ इश्यू आ रहा है इसमें, आपको नॉर्मली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके और कंटिन्यू करना है, दैट्स इट। ये आपकी बिजनेस टेस्टिंग लाइव होगी गाइस। तो अगर नॉर्मली ये डायरेक्टली क्लेम हो जाएगा आपका, कभी कभार ये अप्रूवल नॉर्मल टाइम लगता है, लाइक 6-7 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा। तो नॉर्मली ऐसे ही आपको
ये बाकी सब जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस लिस्टिंग करनी है सेम प्रोसेस है। और देन प्रोफाइल क्रिएशन करना है आपको, सेम प्रोफाइल क्रिएशन ऐसे ही आपको अकाउंट्स बनाने हैं। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं मैंने आपको यहाँ पर डाल रखी है वेबसाइट नेम कहाँ कहाँ पर जाके आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। देन गाइस सोशल बुक मार्किंग करनी है, लाइक यहाँ पर मैं आपको एक लिंक बताता हूँ, लाइक सोशल बुक मार्किंग कैसे शो होती है मैं आपको लिंक बताता हूँ। यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग कर रखी है वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे तो आपको सोशल बुक मार्किंग नॉर्मल ऐसे दिखेगी। लाइक आप देख सकते हो वहाँ पे इस ऑप्टमार्क डिजिटल का टम्बलर पे सोशल बुक मार्किंग कर रखी है, ऐसे सोशल बुक मार्किंग दिखती है नॉर्मली। तो आपको सिंपली उस वेबसाइट पे जाना है और सोशल बुक मार्किंग करना है नॉर्मली, वही प्रोफाइल क्रिएशन करना है एक तरह का, मतलब अपनी वहाँ पे बुक मार्क करना है अपनी वेबसाइट को जाकर। तो सेम ये सब एक्टिविटी जितनी भी हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बट एक्टिविटी का जो करने का प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा गाइस। इसलिए मैं आपको सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं आपको अगर पूरी शीट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ये एक्टिविटी होती है बिजनेस लिस्टिंग होती है, प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल बुक मार्किंग, डॉक्यूमेंट प्रमोशन, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसा दिखता है डॉक्यूमेंट प्रमोशन। एक स्लाइड शेयर है लिंक्डइन का, यहाँ पे आपके कुछ PDF या कुछ डॉक्यूमेंट हैं तो उनको प्रमोट कर सकते हो, यहाँ पे जाके अपलोड करना सिंपली, मतलब ये यहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलेगा, ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट इमेज प्रमोशन, आपके कुछ से कुछ इमेज हैं, आपने कुछ इमेज बना रखी है उनको ऐसे इमेज प्रमोशन वेबसाइट से वहाँ पे जाके आपको प्रमोट करना है, ये इमेज प्रमोशन एक्टिविटी है। मतलब ऐसी वेबसाइट है वहाँ जाके अकाउंट सेटअप करना है, देन इमेज को अपलोड करना है और स्पेसिफिक किस कीवर्ड को टारगेट करना है वो भी कीवर्ड वहाँ पे डालना है। देन ब्लॉग कमेंटिंग, जो आपके रिलीवेंट नीश की जो वेबसाइट्स हैं गाइज, तो रिलीवेंट नीश की जो वेबसाइट हैं, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, SEO में है, पेड मार्केटिंग में हो, कुछ भी हो, तो उनके रिलेवेंट जितने भी ब्लॉग हैं वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में सर गाइज ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ऑसम मस्त ऐसा कुछ लिख रहे हो आप, नॉर्मली आपको थोड़ा एक दो लाइन लिखनी है सामने वाले को ऐसा लगे कि जेन्यून इसने कमेंट किया है। तो यहाँ से भी अगर हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पे जाके आप कमेंटिंग कर सकते हो, और कमेंट नॉर्मली सामने वाले को लगना चाहिए कमेंट किया है, कुछ रियल कमेंट है, उनको ऐसा नहीं लगे फेक है, बाकी अप्रूव नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे कि यहाँ पे कमेंट करना है अपन को, तो यहाँ पे राइट अ कमेंट, नेम, ईमेल आईडी एंड पोस्ट कमेंट, दैट्स इट। सिंपली यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको सबके लिए। ये देखो ये इस वेबसाइट पे गए, तो मतलब मेरा डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट एजेंसी है, तो मैं ऐसे ब्लॉग पे जाऊँगा जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कमेंट लिखते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जाके मैं कमेंट करूँगा। लाइक यहाँ पर कमेंट डालना है नेम, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट और पोस्ट कमेंट, सिंपली ऐसी आप नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, अगर आप जिस निश में उस रिलेवेंट ब्लॉग फाइंड आउट करके वहाँ पे जाके आपको कमेंटिंग करनी है। कोरा आंसर है, लाइक आपको क्या करना है, कोरा पे जाके आप इसी एक प्रोफाइल से क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर वो कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हैं तो उसका डायरेक्टली जाके आंसर लिखना है, ऐसे भी आपको बैकलिंक मिलेगी। अगर वो क्वेश्चन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है कोरा पे, तो आप कोई दूसरी प्रोफाइल सेटअप करके उस प्रोफाइल से क्वेश्चन लिख सकते हो और आप दूसरी प्रोफाइल से आंसर लिख सकते हो, सिंपल। ये मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देना है। तो आप जैसे किसने पूछा लाइक विच डिजिटल एजेंसी इन USA प्रोवाइड द बेस्ट SEO सर्विसेज, तो आप अपना आंसर लिख सकते हो, वहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलेगी, सिंपल गाइस। ये प्रोसेस फॉलो करना है आपको सबके लिए। देन गेस्ट पोस्ट पे आते हैं, गेस्ट पोस्ट पे क्या रहता है गाइस, बहुत सारी कंपनी क्या होती है फ्री गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करती है, लाइक आप गूगल पे सर्च कर सकते हो गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे, लाइक कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं वो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है।
तो आप नॉर्मली देख सकते हो लाइक ये ब्लॉग है, यहाँ पे आप देख पाओगे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। ठीक है गाइस, नॉर्मली वो आपको ऐसे बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे लाइक मैं और कुछ देखूँ। ठीक, गेस्ट पोस्ट इन 2024 50 साइट थे एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे फिर आप किसी एक वेबसाइट पे जाके आपका जो भी सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या रहेगा गाइस, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी रहेगी उनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आप अपने उनकी वेबसाइट को फर्स्ट आपको रिव्यू करना है कि वो वेबसाइट ब्लॉग किस टाइप के ब्लॉग लिखता है। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, उनका ईमेल आईडी फाइंड आउट करके उनको आउटरीच कर सकते हो ईमेल भेज के कि सर हम ऐसा ऐसा ब्लॉग लिखने वाला हूँ, कि आप किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हो, आप अपने पास्ट जितने भी ब्लॉग लिखे उनको शेयर कर सकते हो, तो सामने वाला आपके ब्लॉग को रिव्यू करेगा, उसको लगेगा नहीं अच्छा कंटेंट लिखते हो, और आप जब जिस टॉपिक पे आपको गेस्ट पोस्ट लिखना है उसको अप्रूवल ले सकते हो उस ब्लॉग के जो भी ओनर होगा उससे या फिर जो भी ब्लॉग को देखता है राइट एडमिनिस्ट्रेटर, और जैसे ही अप्रूव मिलता है उसके बाद आप गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो और आप सिंपली मेल कर सकते हो या आप डायरेक्टली वेबसाइट पे ही बहुत सारी वेबसाइट पे सबमिट करने का ऑप्शन होता है वहाँ सबमिट कर सकते हो विद इन मतलब 7 to 10 days के अंदर आपका गेस्ट पोस्ट अप्रूव हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट फ्री अपलोड करती है, लाइक ये allarticles.com है, लाइक allarticles.com, देन ये seohackers.com अगर SEO के बारे में लिखते हो, seohackers, लाइक बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो गाइस। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ गेस्ट पोस्ट कर रखे हैं वो भी अप्रूव नहीं हुए, और भी बहुत सारे किए हैं। देन web 2.0 content क्या होता है, ऐसी वेबसाइट्स हैं लाइक वर्डप्रेस हैं, लाइक विबली हैं, लाइक sites.google.com हैं, वहाँ पे जाके अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज बनाने हैं आपको। यहाँ से भी आपको लैंडिंग पेज बना के किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को आपको टारगेट करना है गाइस, और उससे क्या होगा आपको लिंक बैकलिंक मिलेगा पर वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी उससे। एक सबसे बेस्ट तरीका है नॉर्मली किसी कीवर्ड को रैंक कराने का, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देन मीडियम पे ब्लॉग लिख सकते हो, लाइक मैंने कुछ ब्लॉग लिखे हैं, आप अपने मीडियम एक ब्लॉग साइट है वहाँ पे जाके अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और आप नए नए ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो यहाँ पे। इन ब्लॉग्स मीडियम पे नॉर्मली ब्लॉग लिखने से इनकी रैंकिंग बहुत मतलब बहुत फास्ट आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल पे आती है, किसी कीवर्ड पे आप टारगेट रैंक करना स्टार्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपने प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो और नए नए ब्लॉग अपलोड कर सकते हो, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है गाइस। मैंने ऐसे ऐसे ब्लॉग लिखे हैं जो भी मीडियम पे और मेरे गूगल पे बहुत सारे कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं गाइस। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हमेशा कोई भी बिजनेस हो कोई भी नीश में हो आप मीडियम पे प्रोफाइल क्रिएट करें और नए नए ब्लॉग पब्लिश करें, बट आपको कीवर्ड रिसर्च करके ही फिर करना है। देन मैं आपको गेस्ट पोस्ट के बारे में बता देता हूँ गाइस, मैंने कुछ गेस्ट पोस्ट किए हुए हैं लाइक अभी वो शायद कुछ थोड़े दिन पहले ही किए हैं, अभी शायद वो अप्रूव नहीं हुए। लाइक मैंने दो गेस्ट पोस्ट पब्लिश किए हैं, अब तक पेंडिंग पे चल रहा है, लाइक अब मैं आपको प्रीव्यू बताऊंगा। ऑल नेट आर्टिकल्स टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स यू कैन नॉट इग्नोर इन 2020, मैंने गेस्ट पोस्ट किया हुआ है, अभी तो अप्रूव नहीं हुआ। नॉर्मली कुछ कभी कभार क्या 7 days में हो जाता है, कभी 15 days, कभी महीना भी लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा इसमें। नॉर्मली अप्रूवल उनकी इन लोगों के पास बहुत सारे गेस्ट पोस्ट आते हैं तो इनको देखने में टाइम लगता है। तो आज ओल्ड नेट आर्टिकल्स पे डायरेक्टली जाके आप सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करके गेस्ट पोस्ट आपका सबमिट कर सकते हो और फ्री वेबसाइट से ही अप्रूव कर देगी। देन कुछ पेड भी होती है गाइस, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा गेस्ट पोस्ट कैसे करते हैं गाइस। तो ये सब एक्टिविटी हैं ऑफ पेज की गाइस, और इसके अलावा भी और बहुत सारी एक्टिविटी रहती है कि जो मतलब टॉप रिलेवेंट एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्या क्या करना है गेस्ट पोस्ट में आपको और क्या ऑफ पेज में क्या क्या रहता है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, वो गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो गेस्ट पोस्ट के लिए देख रहे होते हैं। सो दैट्स इट गाइस ऑफ पेज के बारे में। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
please like and share this video. Also, if you have any feedback, please share in comment section so I can reply you back. And guys, also you can reach out to me on social media. Thank you very much guys for watching this video. See you next video. Thank you.